बिग बॉस के घर का एक रिश्ता सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट है और वो है इस वक्त के लिए सुंबुल और टीना का रिश्ता। ये दोनों तो कुछ कुछ होता है कि टीना और अंजलि जैसे हो गए हैं जो कि राहुल के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इन दोनों के बीच की फाइट जो है वो रिजॉल्व होती नजर आ रही है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर टीना और सुंबुल के बीच शायद फिर दोस्ती होती नजर आ रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं हर तरफ, जहां आज सुबह के लाइव फीड में टीना नजर आई और टीना और सुंबुल दोनों आपस में काफी बातचीत करते नजर आ रहे थे और बड़े अच्छे नोट पर बात कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि सुंबुल ने एक तरफ जहां शालीन को कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुमसे बात तो नहीं करूंगी, ये हमने कल देखा। लेकिन आज ऐसा लगता है कि टीना ने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि भैया शालीन गया तेल लेने, शालीन के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा शालीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मैं सुंबुल के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करूंगी, क्योंकि शालीन और सुंबुल का जो भी है वो उनका है, मेरा और सुंबुल का जो भी है मैं उनके साथ अपना पर्सनल इक्वेशन बनाऊंगी। अब जैसा मैंने आपको कहा कि सुबह लाइव फीड में यही चीज सामने दिख रही है। जी हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, किचन में बैठे हैं शालीन, निमृत, अब्दू और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सुंबुल है जो कि खाना बना रही हैं। जी हाँ, एक तरफ सुंबुल है और यहाँ पर टीना है जो दिख नहीं रही हैं, ये शालीन है और ये निमृत और यहाँ पर अब्दू बैठे हैं। सो ये सारे लोग किचन एरिया में बैठे हुए हैं और किचन एरिया में इन सभी लोगों को जो है ये अपना लंच वंच प्रिपेयर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कल पूरा दिन शालीन, सुंबुल और टीना का चर्चा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि इनकी कभी दोस्ती नहीं होगी, एटलीस्ट शालीन के साथ तो कभी दोस्ती नहीं होगी। बट अब आई थिंक मेरी ही कही हुई बात गलत साबित हो रही है। जी हाँ, सुंबुल ने टीना के साथ फिर से दोस्ती कर ली है और अब ये दोनों फिर से एक साथ नजर आ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों ना सिर्फ साथ में खाना बना रहे हैं, लेकिन बल्कि आपको याद होगा जब सुंबुल ने ये कहा था कि टीना किचन में जब काम करती हैं वो थोड़ी सी बॉसी हो जाती हैं, तो उसके बाद टीना ने फिर कह दिया था कि भाई मैं काम नहीं करूंगी। लेकिन आज देखिए दोस्ती फिर हो गई है और दोनों वापस साथ में काम भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं और खाना बनाते बनाते दोनों साथ में बातें भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शालीन अब अकेले पड़ जाएंगे और बाकी सब जो है वो दोस्त बन जाएंगे। एटलीस्ट टीना तो शालीन के साथ अब मुझे आती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कल जो कुछ भी एपिसोड में हमने देखा कि टीना ने साफ कह दिया कि भैया आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। जबकि टीना ही वो शख्स थी जो कहती थी कि शालीन मुझे गाल पे किस करो, यू नो आई वांटेड दैट और ये वो, ये सारी चीजें आपको याद है, वो प्रोमो आउट हुआ था डांस वाला, किस वाला। सो टीना का कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दोगलापन दिख रहा है। आपको क्या है कहना बताइएगा जरूर।